वेलकम टू इस्लामिक एहसास YouTube चैनल। आप लोगों का इस्लामिक एहसास YouTube चैनल पर खुश आमदीद। दूसरी किताब नकुशे वली है। ये किताब मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह के अफकार व आवाज पर मुश्तमिल है, जिसको मुरत्तब किया है हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जैद साहब मदारी, जो दारुल नदवतुल उलमा लखनऊ के उस्ताद हैं और सीनियर उस्ताद हैं। इस किताब में उन्होंने हजरत के अफकार व ख्यालात को जमा किया है। ये किताब बहुत कीमती और मुफीद है। मैं जनाब मौलाना मोहम्मद शमीम साहब मुआविन क़ाज़ी इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना को किताब पेश करने की हजरत से गुजारिश करता हूँ, तो उन्हें किताब पेश करके इस किताब का इजरा फरमा दें। तीसरी किताब है जामे रहमानी की इल्मी दीनी और तस्नीफी खिदमत मुताला व जायजा। ये किताब जामे रहमानी के तरबियत याफ्ता जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आतिफ आलम रहमानी ने लिखी है। जामे रहमानी इतना मशहूर इदारा है, 94 साल उसकी खिदमत को हो गए हैं, लेकिन अब तक उसकी तारीख पर कोई किताब नहीं लिखी गई थी। जामे रहमानी की एक तरबियत याफ्ता को अल्लाह ताला ने तौफीक दी है। मैं हजरत वाला से गुजारिश करता हूँ कि किताब के मालिक को किताब पेश करें और इस किताब का इकरार फरमा दें। ये किताब की पहली जिल्द अभी सामने आई है। किताब की दूसरी और तीसरी जिल्द भी मौलाना लिख रहे हैं, वो भी बहुत जल्द मंजर आम पर आ जाएगी और जामे रहमानी की तारीख मुकम्मल हम सबों के सामने आएगी इंशाल्लाह। चौथी किताब जामे रहमानी के उस्ताद जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जुनैद अहमद साहब की है। उन्होंने उर्दू जुबान में लिखी है मुरमजा सूफी मामला, और दूसरी किताब उन्हीं की है जिन्होंने अरबी जुबान में लिखी है अरे भाई सब आगे रहे ना, क्या बैठिए ना, वो बैठिए लिखी है। और ये किताब जमुई के बाद इलाकों में पढ़ाई जाती है और बहुत सारे लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। मैं हजरत वाला से गुजारिश करूंगा कि इस किताब का भी इजरा फरमा दें और अच्छी किताब को पेश कर दें। ये सातवीं किताब है जानशीन मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी। इस किताब के मुरद्दिफ और मुअल्लिफ हैं जामे रहमानी के उस्ताद जनाब मौलाना अब्दुल अलीम साहब रहमानी अजहरी। उन्होंने इस किताब को लिखी है। मैं हजरत मौलाना उमर महफूज साहब रहमानी सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम रसूलुल्लाह बोर्ड से गुजारिश करूंगा कि मुअल्लिफ किताब को किताब पेश करें। मुअल्लिफ किताब में हजरत की ज़माने पर जो किताब लिखी है वो बहुत मुख्तसर है, सिर्फ 28 सफ़े की है। हजरत की जो उम्र है उस लिहाज से भी एक एक सफ़ा नहीं होता है। मैं मौलवी के किताब से गुजारिश करूंगा कि आइंदा आप इस पर तवज्जो दें और किताब में इतने सफ़ात आप बढ़ाएं कि कम से कम उनकी उम्र के 2 गुना 100 सफ़ात को पहुँचे किताब। उम्मीद करता हूँ कि मौलवी से किताब इस पर तवज्जो देंगे।